अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज की वीडियो एक जल्दी जल्दी से फास्ट फास्ट सी वीडियो है, क्योंकि मैंने किसी चीज़ के लिए कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो आई वांट कि आपके साथ एक टूल जो है उसका रिव्यू शेयर कर दूं, और वो टूल है दिस इज़ बेबीलस कर्लर। ये एक कर्लर है जिसके थ्रू आप अपने बाल सलोन जैसे कर्ल एट होम कर सकते हैं। वो गर्ल्स या वो फीमेल्स जिनको स्ट्रेटनर से कर्ल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या जिनके स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बाल थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट हैं और वो जेल वगैरह या स्प्रे वगैरह भी नहीं अप्लाई करना चाहती, उनके लिए ये एक बेस्ट अप्लायंस है। इसका रिव्यू मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो एक डेढ़ साल हो गए इसे यूज़ करते हुए। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर किया जाए। ठीक है, तो बाल मैंने अपने स्ट्रेट कर लिए थे ब्रश से। ब्रश करने के बाद मैंने इनके ऊपर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे कर लिया है। हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं जो हूँ यूज़ कर रही हूँ ट्रेस्मे का, और बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। बेटा वहाँ एक स्प्रे पड़ा होगा बालों वाला, वो उठा लो। अच्छा, तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे से ये होता है कि आपके बालों को पे अगर आप स्ट्रेट कर रहे हैं या कर्ल कर रहे हैं तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। ठीक है, बालों पे वो स्प्रे करने के बाद अब हम कर्ल स्टार्ट करेंगे। मैंने एक कर्ल यहाँ नीचे किया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। इसी तरह नीचे से अब सेक्शन हम लेते जाएंगे। यहाँ से मैंने एक बारीक सा सेक्शन और निकाला। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है पॉलिश लुक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बालों को जो है वो स्ट्रेट नहीं किया, जस्ट वॉश्ड और ड्राइड बाल हैं, एयर ड्राइड। अच्छा, उसके बाद ये जो है इसको ऑन, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे इसके बटन्स हैं, इनके थ्रू आप इसकी जो है हीट सेटिंग और Z8, 10 और 12, ये डिफरेंट इसके मॉड्स हैं जिस पर आप इन्हें कर सकते हैं। इसी तरह 0, 1, 2, 3 टाइट कर्ल्स या स्लो कर्ल्स, लूज कर्ल जो आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारी जो है इसके अंदर मेंशन है। जब आप इसको ऑन स्विच इसका लगा के इसे ऑन करेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा होता है कि ये वाली ऑलवेज यूज़ दिस साइड टूवर्ड योर हेड। तो ये जिस साइड पे ये लिखा होगा वो हमारे सर की तरफ होगी साइड। सिंपली मैंने बालों को पकड़ा और मैंने बालों को इसके अंदर इस तरह से रख दिया। देखें, नीचे वाला बाल यूं करके इसके अंदर चला गया। जब वो पूरा रोल हो गया तो ये बीप की आवाज़ें आएंगी आपको। 3 बीप्स के बाद आपका जो बाल है वो कर्ल हो जाएगा। ये बीप आना बंद हो गई, एंड नाउ सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कर्ल। चलो एक और करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ गैजेट। आई एम नॉट वेरी प्रो इन हेयर स्टाइलिंग, इन मेकअप, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढती रहती हूँ जो कि ईजी टू यूज़ हों, जिनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की आपको ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, ये एक और हमने स्टैंड लिया हेयर का। इसको हमने सिंपल, ये हेड वाली साइड ऊपर है, इस बालों को हमने इसके अंदर रखा फेस डाउनवर्ड, ये बाल नीचे से अंदर चला गया पूरा। बीप स्टार्ट हुई, ये कॉन्टिन्यूस बीप का मतलब है कि हमारा बाल डन हो गया है। बीप होना बंद हो गई, जस्ट रिमूव इट एंड सी द कर्ल। इसको थोड़ी देर आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये कर्ल जो है, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर ही ऐसे स्टे कराएं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन लेंगे इसी तरह पीछे से। कोई जेल, किसी किस्म की कोई चीज़ मैंने बालों पे अप्लाई नहीं की सिवाय हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे के। इसको आप इसके अंदर रखेंगे और ये बाल अंदर चले गए। बीप स्टार्ट हो गई। ये बेबीलिस कंपनी का ही है जो बेस्ट है। बहुत सी इसकी चाइनीज कॉपीज आपको मार्केट में मिलेंगी, वो आपने नहीं लेनी। बीप होना बंद हो गया, एंड सी दिस ब्यूटिफुल एफर्टलेस कर्ल। ठीक है, चलें इस साइड की बाल मैं कर्ल करके वापस आती हूँ और फिर आपको रिजल्ट सिखाती हूँ। गाइस आई एम बैक। ये देख लें कितने ही मज़े के ब्यूटिफुल कलर तरह के ये कर्ल्स हैं,
और इन पे मैंने भी कुछ स्प्रे नहीं किया। लाइट सा जो है ये मैं ट्रेसिया का कैरेटिन स्मूथ है, इसका बहुत ना टाइट लुक नहीं आता, बहुत लाइट सा स्प्रे है। और चाहें तो आप इनको ये देखें आगे से बाल थोड़े से खोल के और इनको सेट भी कर सकते हैं। ये मैं सेटिंग बाद में करूँगी, फिलहाल मैं सिर्फ आपको कर्ल्स दिखाने आई थी। इनको इस तरीके से पकड़ के मैं लाइट सा स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि अभी जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने में मुझे एटलीस्ट 4 to 5 hours है। ठीक है, ये कर्ल्स हो गए। ये हीट ट्रेस्मे का स्प्लिट एंड स्प्लिट रेमेडी के साथ जो है ये स्टाइलिंग स्प्रे है और स्मूथ फिनिश देता है और लीव इन कंडीशनिंग स्प्रे भी है और ये हीट प्रोटेक्टेंट भी है। ये मैं यूज़ करती हूँ, आप कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट लुक एट दीज ब्यूटिफुल कर्ल्स। ठीक है, दूसरी साइड से भी कंप्लीट करती हूँ फिर वापस आती हूँ। जनाब आई एम बैक विद दिस ब्यूटिफुल कर्ल्स। फ्रंट से मैं थोड़े से कर्ल्स को ऐसे ऐसे करके कॉम करके, हेयर कॉम करके और यहाँ मैं पिन अप कर लूँगी एंड इनको भी मैं फिंगर्स से खोलूँगी, लेकिन मैंने जैसे बताया ये मैं अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि अभी मुझे एक 3-4 घंटे हैं जाने में। एक स्प्रिंग थीम पार्टी में मैंने जाना है जिसके लिए मैंने ये हेयर स्टाइलिंग की है। इस तरीके से विद इन 15 मिनट्स मैंने ये कर्ल किए हैं और ये फुल डे जो है ये इसी तरह इंटैक्ट रहेंगे। आइसेस जब खुल जाएंगे तो इनमें और भी ब्यूटीफुल ब्लो ड्राइड लुक आ जाएगा। आई होप आज का ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।